गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट इज क्लास नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 2 व्हिच इज पॉलीनोमियल। इन द प्रीवियस क्लास वी हैड स्टडीड अबाउट द पॉलीनोमियल्स, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीनोमियल एंड जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल। आल्सो वी हैड डन द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलीनोमियल। मींस कि जैसे कि आपने देखा था कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स का अगर हमारे पास ग्राफ इस तरह से होता है तो जितने टाइम्स वो एक्स एक्सिस को काटता है उतने उसके जीरोज होंगे। तो जैसे ये कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का ग्राफ इस तरह से बनता है, ये एक्स एक्सिस को जितने टाइम्स काट रहा है राइट, वो आपका क्या होते हैं, जीरोज होते थे राइट, उतने नंबर ऑफ जीरोज। जैसे इस कर्व के अंदर कितने टाइम्स काट रहा है, ये 4 टाइम्स काट रहा है, तो दैट मींस ये इसके जीरोस 4 होंगे। और जो ये इक्वेशन होगी उसकी नहीं, उसका जो पॉलीनोमियल होगा वो क्या होगा, बाइक्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगा राइट। बाइक्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मींस जैसे लीनियर पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, ऐसे ही क्यूबिक पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है, बाइक्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है जिसकी डिग्री 4 होती है राइट। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ बना है ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की होगी और इसके 4 जीरोस होंगे। अब जीरोस कौन से होंगे, जैसे कि सपोज ऐसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, इस तरह से कोई सभी। तो देखो इसके जीरोस, एक तो 10 होगा, एक 3 होगा, एक 5 होगा, एक 7 होगा राइट। ऐसी मैंने एग्जांपल दिया है। तो इस पे बेस्ड आपने किया था एक्सरसाइज 2.1 में देखा आपने कि x एक्सिस को जितने टाइम्स वो काट रहा है उतने उसके जीरोस होंगे और जहां पर काट रहा है तो वो उसका जीरोस होगा ठीक है। तो दिस वाज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल राइट। अब करते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन between the zeros and the coefficients of a quadratic polynomial. Quadratic polynomial. ठीक है, तो relationship between the zeros and coefficient of quadratic polynomial. क्या रिलेशनशिप होता है, क्या रिलेशनशिप बिल्टअप होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सपोज वी हैव अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, पी ऑफ एक्स इज गिवन बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो आपको पता है कि इसके जो कोएफिशिएंट्स, जैसे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इसमें ए है, एक्स का कोएफिशिएंट बी है और जो कॉन्स्टेंट है वो सी है राइट। तो ये कॉफिशेंट होते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर से जो पहले का जो इसका कॉफिशेंट है वो क्या है, ए है, बी का कॉफिशेंट ने एक्स का कॉफिशेंट बी है और ये कॉन्स्टेंट है राइट। तो ये तो कॉफिशेंट, इनको हम कॉफिशेंट बोलते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के रिलेशनशिप क्या होता है जीरोज ऑफ कॉफिशेंट्स में। तो इसमें देखो कि इफ वी हैव अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इफ अल्फा एंड बीटा आर, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो उसके 2 जीरोज होंगे, ऐसे अगर कोई लीनियर पॉलीनोमियल है तो उसका 1 ही जीरो होगा। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल तो इसके 2 जीरोज होंगे। तो हमने एज्यूम कर लिया कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स दैट मीन्स पॉलीनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स राइट। तो आर द जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल पी एक्स, देन सम ऑफ जीरोज ये होता है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये रिलेशनशिप है। अब मैं आपको एक वेरीफाई करके दिखाता हूं कि ये रिलेशनशिप कैसे है। देखो सपोज वी हैव अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर
सिक्स टू जा 12, फोर थ्री जा 12, ये सपोज वी हैव अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिस पी एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। अब देखते हैं कि जैसे हमने किया है ना, पहले तो मैं इसके जीरोस निकाल लेता हूं कि क्या जीरोस होंगे। तो पहले तो इसको पहले मैं इससे पहले मैं इसको कंपेयर कर लेता हूं कि कंपेयरिंग विद विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पी एक्स इक्वल टू। तो देखो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे है, ए इक्वल टू टू आ जाएगा, बी क्या आ जाएगा माइनस वन, और सी आ जाएगा हमारे पास माइनस सिक्स। ठीक है, अब मैं इसके जीरोस निकाल लेता हूं कि नाउ फॉर जीरोस पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, पी ऑफ एक्स जीरो, तो दैट मींस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। राइट, अब इसके में सॉल्व कर लेता हूं इसको, तो क्या हो जाएगा सिक्स के फैक्टर्स जिनका डिफरेंस वन है, सिक्स टू जा ट्वेल्व, ट्वेल्व के फैक्टर्स जिनका डिफरेंस वन है, तो कितना फोर थ्री जा ट्वेल्व, तो इसको लिखेंगे फोर माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। राइट, तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। राइट, तो इसके फैक्टराइज करते हैं फर्दर, इसको फैक्टराइज करते हैं, अब इसको मिटा देते हैं अभी, यस। तो 2x टेक इज कॉमन, 2x हमने कॉमन लिया तो x माइनस टू, और प्लस थ्री कॉमन ले लिया तो x माइनस टू इक्वल टू जीरो, x माइनस टू टेक इज कॉमन अगेन तो 2x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो एंड 2x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, इससे x इज इक्वल टू टू, इससे 2x इज इक्वल टू माइनस थ्री, x इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू। तो इसको हम अल्फा एज्यूम कर लेते हैं, इसको बीटा कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो इसके जीरो आ गए, अगर मैं प्रोडक्ट कर लेता हूं इन 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 दोनों का सम कर लेता हूं, इन दोनों का सम देखो, इन दोनों का सम करेंगे हम, तो सम क्या होता है जैसे अभी मैंने लेसन से बताया कि वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो मैं देखता हूं जरा सम करके कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज ये क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी, माइनस बी कितना था माइनस ऑफ माइनस वन अपॉन ए, ए इज टू, तो वन बाई टू। तो ये हमारे पास सम आ गया। अगर देखो अगर हम इसका जीरोज नहीं भी निकालते, हमें डायरेक्ट सम पता करना है, तो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा यानी कि वन बाई टू होगा। अब चलो चेक करके देख लेते हैं कि इनका सम जो है माइनस वन बाई टू आ रहा है नहीं आ रहा है। तो देखो सम करेंगे तो इनका सम करते हैं तो टू प्लस माइनस थ्री बाई टू, अगर हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा फोर माइनस थ्री, तो वन बाई टू, देखो वही आ गया। तो देखो हम बिना जीरोस को ऑब्टेन किए हुए, हम केवल अगर हमें ये पता है इसके कोएफिशिएंट्स पता है हमें, तो हम सम ऑफ जीरोस डायरेक्ट माइनस बी अपॉन ए लिख सकते हैं, दैट इज वन बाई टू। ठीक है, इसमें तो मैंने आपको चेक करके देखा, दिखाया मैंने कि ये जो है ये जीरोस निकाला और फिर उसको सम करके वेरीफाई किया। राइट, तो सम ऑफ जीरोज डायरेक्ट, अगर आप बिना जीरोज को निकाले हुए आप डायरेक्ट सम ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं माइनस बी अपॉन ए से। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपने अभी देखा था, क्या था जीरोज, ये होता है सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए, सी इज माइनस सिक्स अपॉन टू, तो दैट इज माइनस थ्री। अगर आप चेक करके देखेंगे तो इनका जो ये निकला था, इनका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे टू इंटू माइनस थ्री बाई टू, टू से टू कैंसिल करेंगे तो माइनस थ्री आ जाएगा। ठीक है, तो बिना इनको जीरोस को निकाले हुए हम डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। राइट, तो इससे पहले देखो प्रॉब्लम क्या आती है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स अभी तक फैक्टराइजेशन जानते नहीं है। जब हम जीरोस निकालते हैं तो हमें फैक्टराइजेशन पता होने चाहिए। ठीक है, तो उस फैक्टराइजेशन को करने के लिए
सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, फिर मैं ये रिलेशनशिप आपको बताऊंगा। तो पहले फैक्टराइजेशन देखो, फैक्टराइजेशन कैसे होता है जीरोस, मतलब पॉलीनोमियल के फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के देखेंगे फैक्टराइजेशन। सबसे पहले ये आज की वीडियोस में मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि फैक्टराइजेशन कैसे होता है। देखो फैक्टराइजेशन का हमारे पास तीन रूल होते हैं। फर्स्ट रूल क्या होता है कि सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन कि वेदर एनी एलिमेंट इज कॉमन इन दैट पॉलीमर और नॉट, ठीक है, पहला कॉमन। सेकंड देखेंगे कि वेदर देयर इज एन आइडेंटिटी और नॉट, एंड थर्ड स्टेप इज मिडिल टर्म। मिडिल टर्म स्प्लिट। जब भी आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, ये तीन रूल्स देखने हैं कि सबसे पहले जो है कॉमन आना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि ये आइडेंटिटी आ रही है नहीं आ रही है, और फिर हम मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट पहले देखते हैं। सपोज वी हैव एक फैक्टराइजेशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके फैक्टराइजेशन करने हमने, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले कॉमन देखेंगे। देखो आप तीनों स्टेप्स में कॉमन कुछ भी नहीं है, राइट, तो कॉमन नहीं आ रहा है। सेकेंड स्टेप देखेंगे आपकी आइडेंटिटी, इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है। आइडेंटिटी मीन्स कि a प्लस बी टू द होल स्क्वायर, a माइनस बी टू द होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई भी आइडेंटिटी लग सकती है, तो इसमें कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रही। थर्ड होता है मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या होता है, अब देखो इसमें आइडेंटिटी भी नहीं लगी, पहला वाला रिजेक्ट हो गया, कॉमन नहीं था, फिर आइडेंटिटी भी नहीं लगी, सेकंड वाला भी रिजेक्ट हो गया, थर्ड इज मिडिल टर्म स्प्लिट। अब हम थर्ड स्टेप पे आते हैं कि इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे। आपको पता है कि 6 के ऐसे फैक्टर, 6 और इधर 1 है, 6 और 6 के ऐसे फैक्टर करो जिनको प्लस करके 5 आता है। तो सिंपल सा तरीका होता है, हमें कोई बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने ये किया, 6 के फैक्टर जिनका सम जो है 5 होता है, तो पहले मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, 1 6 6 6 + 1 देखेंगे तो 7, मुझे 7 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसमें प्लस करके 5। फिर मैं यहां से करता हूं 2 2 3 6, तो 2 1 2 इनका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और 3 2 + 3 5 होता है, ठीक है। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 + 3 × x + 6। एक चीज माइंड में रखना कि जब आपके पास यहां पे प्लस होता है तो ब्रैकेट के अंदर भी प्लस होना चाहिए, अगर यहां पे माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर भी माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो इसी में ही बच्चे जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, फैक्टराइजेशन नहीं कर पाते। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 3x + 6, और इसमें से x कॉमन x + 2, 3 कॉमन x + 2, फिर कॉमन लेते हैं x + 2 x + 2 कॉमन x + 3, राइट। तो ये इसके फैक्टराइजेशन हो गए। सेम इसी में ही देखो एक और, देखो जैसे मैं कर रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x - 6 कर दिया मैंने, अब यहां पे माइनस आ गए, ठीक है। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि इसको जो है 5x को 2 + 3 लिख देंगे, 2x + 3x, जो कि गलत हो जाएगा। आपने क्या देखना है, जैसे मैंने बताया था कि 6 1 6 का ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके 5 आता है, आपने ये साइन देखना है, अगर यहां पे प्लस है तो आप देखो कि प्लस करके आ रहा है, अगर यहां पे माइनस है तो आप देखो कि माइनस करके 5 आना चाहिए, इसमें प्लस करके 5 आना चाहिए था, इसमें माइनस करके 5 आना चाहिए। तो देखते हैं 6 के फैक्टर कर लेते हैं हम। 6 के फैक्टर किया हमने पहले 1 से, 1 6 तो 6 - 1 5 आ गया, ठीक है। तो यहीं पे ही आ गया, तो मुझे फर्दर जाने की जरूरत ही नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर 6 - 1 × x - 6, और एक्स स्क्वायर प्लस 6x - x - 6, राइट। तो x कॉमन लो फिर यहां से, x + 6 - 1 कॉमन लेके x + 6, तो x + 6 और x - 1, तो ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिट का अपना आ गया होगा कि कैसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। तो इनपे बेस्ड एक और एग्जांपल देखो आप,
एक और देखो, ये देखो इसको फैक्टराइज करना है आपने, तो आपने क्या देखना है, 9 8 72 के ऐसे फैक्टर करो, 9 8 72 72 के ऐसे फैक्टर करो जिनको माइनस करके 6 आता है। ठीक है, चेक कर लेते हैं, हमें कोई माइंड पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ देखना है कि कैसे इसके फैक्टराइज होता है, हमारे पास मैथड है करने का। देखिए अपने ये देखिए 9 8 72 72 के फैक्टर्स जिनको माइनस करके 6 आता है, तो पहले मैं स्टार्टिंग से करूंगा 172 जब 72 माइनस 1 6 नहीं होता है, फर्दर करो 2 से 36 2 1 जा 2 36 माइनस 2 तब भी हमारे पास 6 नहीं होता, आगे चलो 18 2 2 जा 4 1 जा 4 18 माइनस 4 तब भी 6 नहीं हुआ, आगे चलो 2 2 जा 4 2 जा 8 9 माइनस 8 तो 1 होता है, अभी भी 6 नहीं हुआ, 3 से 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24 24 माइनस 3 तो भी 6 नहीं हुआ, अब आगे चलते हैं 3 1 जा 3 तो इसमें तो पता नहीं चला हमें, अब हमने इनको ही आपस में ब्रेक करो 3 2 जा 6 2 जा 12 12 आ गया और 3 2 जा 6 1 जा 6 12 माइनस 6 कितना हो गया 6 आ गया। ठीक है, तो इन्हीं में से ही पहले तो यहीं से ही आ जाएगा, अगर ऐसे में नहीं आता तो फिर इनको आपस में रीअरेंज करो फैक्टर करने के लिए, तो 8 क्या बताया मैंने 12 माइनस 6 तो 9x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 8, मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर माइनस आना चाहिए, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर प्लस आना चाहिए, तो दैट इज 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6x माइनस 8, 3x टेक एज कॉमन 3x प्लस 4 और माइनस 2 कॉमन लेके 3x प्लस 4, तो दैट इज 3x प्लस 4 और इनटू 3x माइनस 2, तो दिस इज द फैक्टराइजेशन। मेन चीज है अगर यही फैक्टराइजेशन आपको आएगा नहीं तो ये आपके जैसे आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, ये आगे आपका बिल्कुल जीरो हो जाएगा, तो इसलिए पहले फैक्टराइजेशन करना आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, तो इसी पे बेस्ड मैं आज की क्लास में आपको ये फैक्टराइजेशन ही दे रहा हूं कि फैक्टराइज आपने कैसे करने। यस बेटा, तो जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको क्लियर किया कि कैसे आपने मिड टर्म स्प्लिट करने हैं, तो आपने बेटा ये 10 क्वेश्चंस आपने करने हैं एज अ होमवर्क, जिसमें मिड टर्म स्प्लिट करके आप इन फैक्टराइजेशन को करोगे तभी आप इस चैप्टर को आगे प्रोसीड कर पाओगे। ठीक है, तो आई थिंक दैट इज मोर देन एनफ फॉर टुडेज क्लास। Have a nice day. Thank you very much. Goodbye.